अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बताता हूँ शहद के मतलब, खाने के मतलब। देखिए माशाल्लाह पीपल का दरख्त है, इस पे लगा है शहद, एक ये लगा हुआ है और माशाल्लाह से एक लगा हुआ है ये लगा हुआ है। तो चेक करें माशाल्लाह से आप, हानि कितना बड़ा है ये। ये देखें, और अक्सर भाई कहते हैं कि यार हमें पीपल का चाहिए, हमें कीकर के दरख्त का शहद चाहिए। अक्सर भाई कहते हैं कि यार हमें नीम के दरख्त। भाई ऐसा कुछ नहीं कि ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी। शहद के पास आसपास जो भी होंगे ना पौधे फूल, उनका ही जायका उनमें आएगा बिल पर। अब ये तंबाकू लगा हुआ है, तंबाकू का पौधा है, इस पर मक्खी आएँगी और कलेक्ट करके जाएँगी शहद छत्ते में ले कर जाएँगी। ये अनार का है, अनार का ले कर आएँगी इसके बाद, और इसके साथ ही शताला है वो, उसके बाद बड़े बड़े दरख्त हैं पैदे के और इनसे मक्खियाँ आएंगी, रस कलेक्ट करके जाएंगी और शहद के छत्ते में ऐड करेंगे। देखें माशाल्लाह से। तो ये अक्सर लोगों में मिस कॉन्सेप्ट है कि भाई हमें जिस दरख्त पे हो तो उसकी तस्वीर उस शहद में आती है, बिल्कुल गलत है। शहद के जो भी जिस दरख्त पर होगा उसकी नहीं आती, बल्कि आस पास जो फूल होते हैं उनका जायका उसमें आता है।